अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। यूपी हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाल दी है और बहुत सारी भर्ती आपके लिए आ चुकी है, जिसमें स्टेनो की भर्ती होगी, ड्राइवर की भर्ती होगी, ग्रुप डी की भर्ती होगी, क्लर्क की भर्ती होगी, सभी वैकेंसी के लिए फॉर्म आ चुके हैं। ये विज्ञप्ति आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23, और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्द ही विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 2022-23 के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है और डिफरेंट टाइप की ये वैकेंसी हैं, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी आपके लिए आई है आशुलिपिक की, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की। इसके लिए आप ग्रेजुएट हो और आपके पास नीलेट का CCC का सर्टिफिकेट हो, साथ ही आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग आती हो। 1186 वैकेंसी आपके लिए आई है, 881 है हिंदी की, 305 है अंग्रेजी की। 18 से लेकर 40 साल एज लिमिट है, 1 जुलाई 2022 को काउंट की जाएगी। सैलरी आपको मिलेगी 2800 वाले ग्रेड में और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 45,000 रुपये महीने। 45,000 रुपये महीने आपको स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की यानी जूनियर असिस्टेंट की और दीय प्रशिक्षु की, दो टाइप की भर्ती आई है। जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है वो 2000 ग्रेड पे वाले ग्रेड में है, वहीं दीय प्रशिक्षु की है 1900 वाले ग्रेड में। आप 12th पास हो और आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आती हो, 25 वर्ड परमिट और 30 वर्ड परमिट, और DOEC का CCC सर्टिफिकेट, नीलेट का CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1021 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। तीसरी वैकेंसी आई है इसमें ड्राइवर की, इसके लिए आप 10th पास हो और कम से कम 4-व्हील ड्राइव का आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 26 वैकेंसी है, 18 से 40 साल एज लिमिट है और आपको 1900 ग्रेड पे वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। चौथी वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, 1699 वैकेंसी आपके लिए आई है, 18 से 40 साल एज लिमिट है और आपको शामिल किया जाएगा 1800 वाले ग्रेड में। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 27,000 रुपये महीने। इसमें पहली भर्ती आई है ट्यूबल ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए आपने 8वीं पास कर रखा हो और आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, अर्दली चपरासी कार्यालय चपरासी फर्रास के लिए आप 8वीं पास होनी चाहिए, चौकीदार वाटरमैन स्वीपर मालिकुली लिफ्टमैन के लिए आप 8वीं पास होनी चाहिए। वहीं स्वीपर कम फर्रास जो है इसको सिर्फ 6,000 रुपये महीने मिलेंगे और इसके लिए आप 6वीं पास होनी चाहिए। तो स्वीपर कम फर्रास के लिए जो वैकेंसी है वो संविदा पर आई है, इसमें आप 6वीं पास हो, 6th क्लास आपने पास कर रखी हो और आपको 6,000 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 27,000 रुपये महीने रेगुलर सैलरी मिलने वाली है। वैकेंसी टेंटेटिव है, ये घट या बढ़ भी सकती हैं, और जो आरक्षण का लाभ है वो यूपी के निवासियों को दिया जाएगा, जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पोस्ट नंबर 1 यानी स्टेनो के लिए आपकी फीस रखी गई है 1,000 रुपये और जो यूपी के SC/ST हैं उनके लिए 800 रुपये। पोस्ट नंबर 2 जूनियर असिस्टेंट के लिए फीस रखी गई है 850 रुपये, यूपी के SC/ST के लिए है 650 रुपये। पोस्ट नंबर 3 और 4 यानी ड्राइवर और ग्रुप डी के लिए फीस रखी गई है 800 रुपये, वहीं SC/ST के लिए है 600 रुपये। पेपर जो है वो आपका OMR बेस पे होगा यानी ऑफलाइन होगा, और इसमें हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट जहाँ पे मांगा गया है, आशुलिपिक जहाँ मांगा गया है, और तकनीक ड्राइवर टेस्ट यानी जो ग्रुप डी के अलावा जो वैकेंसी हैं वहाँ पर सभी वैकेंसी के लिए आपका ट्रेड टेस्ट भी रहेगा, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए सिर्फ आपका एग्जाम रहेगा और इसी के बेस पर आपकी अलग अलग मेरिट बनेगी। पोस्ट वाइज आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट लोकेशंस पर एग्जाम होगा और आपको ई एडमिट कार्ड आएंगे। इस भर्ती के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर और ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जल्दी ही नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख लेना। हम सेपरेट में एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो वैकेंसी डिफरेंट आई हैं आपके लिए, जिसमें 1699 ग्रुप डी की आई है, 26 आई है ड्राइवर की, 1021 है जूनियर असिस्टेंट की और 1186 आई है स्टेनो की, जिसमें 881 हिंदी, 305 अंग्रेजी। 18 से लेकर 40 साल एज लिमिट है सबके लिए, वहीं यूपी के SC/ST OBC के लिए है 45 साल। फीस हालांकि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये भर्ती देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर भरें। आपको यूपी में पूरी में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है और आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, काफ़ी रेपुटेड जॉब ये मानी जाती है।
साथियों मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।